रचा जो कभी मचलता मन ना डान समझ मन माफ कर रात बटे जो कभी विफलता तारे वारे नाच मैं मत में साफ कर ओड़ा मेरे। तो आज है लास्ट सोमवार और भाभी ने मुझे कल ही बोल दिया था कि चलिए मंदिर चलते हैं बोल के, तो मैंने सोचा क्यों ना चला जाए क्योंकि कल मैं फ्री हूँ, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं रहेंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है चलिए चलते हैं क्योंकि एक भी सोमवार हम लोग मंदिर नहीं गए थे। और सच बता रही हूँ इतना अच्छा लगा मंदिर जाकर। और इससे एक दिन पहले मैं व्रत थी, मतलब संडे को मैं व्रत थी और सुबह में फटाफट पूजा भी देना था, खाना भी था, मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ा बहुत, मतलब अभी बज रहा था उस टाइम का सुबह का, हम लोग मंदिर में पहुंचे थे 10 बज गया था, थोड़ा बहुत देरी हो जाता है घर का काम रहता है। तो यहाँ पर भाभी और मैंने अच्छी तरह से पूजा दे दिया और यहाँ आने के बाद ना एक चीज़ और भी ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे निकलने के टाइम में भिखारी लोग भी बैठे थे, वो लोग हम लोगों ने थोड़ा सा पैसा दिया और उसके बाद प्रसादी जैसे ही दिया, मतलब उन लोगों ने डिमांड नहीं किया था कि हम लोग को चाहिए प्रसादी भी दो पैसा भी दो, लेकिन हम लोगों ने जब दिया ना इतना जब जल्दी जल्दी खा रहा था, मतलब देख के बुरा भी लग रहा था कि उन लोगों को भूख लगा था, तो फिर मैंने और भी दे दिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से कोई खाने से। और यहाँ पर हम लोग का सर भी आ गए थे पूजा करने के लिए। और उसके बाद हम लोग को पूजा खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर 108 वाला हर हर महादेव का जब हम लोगों ने किया, भाभी को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा था, बाद में पूछा तो भाभी का उल्टा पुल्टा हो रहा था, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर चुकी थी, तो मैंने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो भी क्लिक किया, वो मैं लास्ट में लगा दूंगी। उसके बाद हम लोगों ने पूजा खत्म करके थोड़ा सा वेजिटेबल खरीदने निकल गए थे क्योंकि मंदिर के सामने बहुत अच्छे अच्छे सब्जी लगता है, मतलब यहाँ पर लोकल मार्केट बैठता है और देखिए सब पहाड़ी आइटम रहता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी फूड। तो यहाँ से सब्जी लेने आ गए थे और उससे पहले यहाँ पर मैंने सिंगरा ऑर्डर दिया था, तो बोला है कि गरम गरम बना के दे दिए बोलते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा मिठाई भी लिया मैंने क्योंकि लड्डू गोपाल को भी चढ़ाना है, कल के लिए ले लिया था थोड़ा बहुत, और जलेबी और सिंगरा ऑर्डर दिया। और यहाँ पर पूरी खाने का मन कर रहा था, मतलब पूजा खत्म हो चुका है अभी, तो व्रत टूटाने के लिए मैंने सोचा पूरी खाएंगे बोल के, लेकिन यहाँ पर पूरी बनाने में इतना टाइम लग रहा था, मैंने सोचा छोड़ चलते हैं घर पर ही जाके सिंगरा से, मतलब कुछ प्रसादी मुँह में देने के बाद उसके बाद सिंगरा खा लूँगी बोल के। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाथ पर सब्जी का ठेला है और प्रसादी भी थोड़ा बहुत लेके जा रही हूँ घर के लिए। और घर पहुँचने के बाद ही मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब कल से बहुत ज़्यादा, कल मैंने निर्जला व्रत रखा था इसलिए थोड़ा बहुत थक चुकी थी मैं। और यहाँ पर मैंने मासी ने दिया है गर्मा गर्म पकौड़े, दो टाइप का पकौड़े दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर साग दिया है, यहाँ पर कुंदरू का सब्जी भी दे के रखा है, तो ये देखिए इतना क्रिस्पी लग रहा है ना सब पकौड़ा, और देख कर मुझे खाने का मन कर रहा था क्योंकि ऐसे भी फास्टिंग के बाद पता नहीं क्यों डबल डबल खाना पड़ता है, एक दिन पहले जो नहीं खाया जाता वो सब एक ही झटके में, जैसे दो बार खाना खाया जाता लेकिन तीन चार बार खाना हो ही जाता है, तो वही मेरा भी वही हाल है, तो मैं पता नहीं कितना बार खाऊंगी आज। और उससे पहले मैं प्रसादी दिखा देती हूँ जिससे मैं व्रत तोड़ूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रसादी है, ये है खिचड़ी और सब्जी मिक्स वेज है, तो थोड़ा सा लिया है जिससे से खा के मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर मैं आपको संडे का ब्लॉग दिखाऊंगी, मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं निर्जला व्रत थी एक दिन संडे को मैं, तो इस टाइम मामी आके मुझे थोड़ा बहुत फल देके गई है, बोला है कि इस निर्जला व्रत आज के दिन नहीं रहा जाता है, मतलब ये एकादशी में ये वाला व्रत नहीं रखा जाता है, यहाँ पर जुलून पूजा चल रहा है इसलिए तुम टूटा दो व्रत, मतलब पानी पी लो और ये थोड़ा सा फल भी खा लो बोल के। तो मैं टेंशन में पड़ गई थी क्योंकि पूरा दिन मैं व्रत में थी और अचानक से कैसे टूटा दूँ, तो लास्ट में मैंने सोचा कि ठीक है चलो एक घंटे के बाद मैं पूजा देने के बाद मैं पानी पीकर ये फल खा लूँगी बोल के, और नेक्स्ट डे पूजा देने के बाद मैं खाऊँगी कुछ भी। उसके बाद बिना पानी का मैंने फर्स्ट टाइम ही इतना देर तक रहा और मेरा पूरा एकदम आग घुस गया था, मतलब बात भी करने का मन नहीं कर रहा था, वैसा टाइप हो गया था मेरा, देखिए पूरा आग घुस गया था और मैं पूरा लग रही थी परम सुंदर थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत नाच भी लिया, तो चलिए बहुत बकबक कर लिया, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए हम लोग का फोटो।